और फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंद्रासिस। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। यार आपका जब मन का कुछ ख्वाहिश पूरा होता है तो कैसा लगता है? बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरा ऐसा ही एक ख्वाहिश बहुत ही जल्द पूरा हो गया है। एंड यस, ये जरूर कमेंट करके बोल देना कि कैसा लगता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड यस, ये वीडियो है ओराजो शूज का, जो मेरे बहुत दिनों से मुझे इसका ख्वाहिश था कि मैं एक ओराजो बूट खरीदूंगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपको ये ओराजो शूज कैसा लगता है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि सबसे कॉस्टली अगर बूट्स होता है, राइडिंग बूट्स आर वेरी मच कॉस्टली, एंड उसका दाम लगभग 30,000, 40,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का भी राइडिंग बूट है। हालांकि अभी निखिल ने, अभी मुंबई का निखिल, एक नया बूट खरीदा है और उसका दाम है 50,000 के आसपास। BMW का बूट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ओराजो जो शू है वो आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, आपका राइडिंग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपका फिल करता है कि नहीं। तो ये है मेरा नया ओराजो शूज। तो इसका बॉक्स अभी मैं ओपन करूंगा, कुछ दिन से हो गया ये बॉक्स मेरे यहाँ पर आके पड़ा हुआ है, तो मैं सोचा क्यों ना अभी इसका एक, अरे ये हेलमेट गिर जाएगा। हाँ, तो ये है मेरा बूट। तो सबसे पहले इसको एक बार हम लोग देख लेंगे कि इसका कंडीशन कैसा है एंड हाउ इज इट लुकिंग। तो मेरे हिसाब से ये जो ओराजो का बूट है ये बहुत ही बेहतरीन है। जिस प्राइस टैग में आपको मिलता है, आपको कुछ अदर ब्रांड का राइडिंग बूट इस बजट में तो मिलेगा ही नहीं, आई एम प्रीटी श्योर। और तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली इसका जो टोटल रिव्यू है आज हम लोग देखेंगे एक, और इसका प्राइस कितना है वो भी। अगर कुछ स्पेशल कूपन कोड रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय करेंगे तो आपको कुछ दाम कम मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बूट, और सबसे पहला चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ, इसका पैकिंग बहुत ही खूबसूरत था। मैं अमेजोन से नहीं खरीदा, मैं डायरेक्टली ओराजो के साइट से खरीदा हूँ, और जो कि मुझे इसका पैकिंग बहुत ही अच्छा लगा। एंड दिस इज द हार्ड केस कवर, और इधर कुछ प्रोटेक्शन रीडिफाइंड, ओराजो का ब्रांडिंग दिया हुआ है। तो चलिए अभी इसको मैं खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले इसका कॉस्टिंग के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका कॉस्ट है 5,000 रुपीज़, एक रुपया कम 5,000, और मुझे डिस्काउंट मिला था 375 रुपीज़ के आसपास। तो लगभग मुझे 4,500 के आसपास इसको पड़ा था, अप्रॉक्सली 4,600 के आसपास। तो चलिए देखते हैं ये बूट कैसा लगता है। सो ये है मेरा बिल, और ये बिल मैं साइड में रख देता हूँ। एंड यस, दिस इज द शू। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये शू का क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, एंड आई एम रियली वेरी मच हैप्पी विद दिस, एंड स्पेशली विद द ब्लैक एंड ऑरेंज कलर। जस्ट लुक एट दिस, हाउ डज इट लुक। रियली इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका स्टिचिंग देखिए, मैं थोड़ा कैमरा सामने लेके आ रहा हूँ, लेट मी फोकस फर्स्ट। यस, एंड देखिए अभी इसका स्टिचिंग का क्वालिटी देखिए, बारीकी से अगर आप लोग देखेंगे तो सच में आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये देखिए, ये इस साइड से देखिए, ये फ्रंट लुक है। मैं थोड़ा पीछे जाके इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स।
सो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ इस शूज के बारे में कि फ्रेंड्स जैसे भी आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत ही लाइट वेट है और ये दोनों शूज मिला के आपको लगभग 1.2 किलो के आसपास इसका वेट होगा। एंड इसका लेंथ आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप वेबसाइट में वेबसाइट का मैं डिटेल्स लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख पाएंगे इसका डिटेल्स हर एक चीज। एंड दिस इज द थिंग, मैं अभी जूते में ज्यादा फोकस करता हूं। तो चलिए इसका कुछ जूते के कुछ एंगल्स हम लोग देख लेते हैं कि हर एक एंगल से ये जूता कैसे लगता है। ये है आपका टॉप व्यू एंड यस इसका कुशनिंग बहुत ही अच्छा है यार। इस प्राइस रेंज में 4,500-5,000 की रेंज पे आपको जो ये शू मिलता है ये आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिलता है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस। उसके बाद ही आप अगर देखते हैं कि यहाँ पर एक ओराजो का टैगिंग मिल जाता है एंड इधर आपको एक ओराजो का हॉलमार्क देखने को मिलता है एंड अनदर ब्रांडिंग इन दिस साइड, मतलब दोनों साइड में ओराजो का ब्रांडिंग मिलता है। यहाँ पर आपको वेलक्रोज मिलता है, एडजस्टेबल वेलक्रोज। वेलक्रोज का क्वालिटी कैसा है, ये साउंड सुन के आपको तो मालूम ही चल चुका है कि ऐसा क्वालिटी इसका कैसा है। और देखिए यहाँ पर ये वाटर अंदर जाने का सवाल नहीं आता है, बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिए यहाँ पर ये कुछ स्टिचेस नहीं है, यहाँ पर ये पेस्टिंग है यहाँ पर। सो वाटर सिप करके अंदर जाने का रास्ता तो अभी तक मुझे मिला नहीं है, पर हालांकि ये 100% वाटरप्रूफ नहीं है और इस प्राइस में आपको 100% वाटरप्रूफ मिलेगा भी नहीं। सो ये वाटर रेजिस्टेंस है एंड मुझे नहीं लगता है कि आपको बारिश में कुछ प्रॉब्लम आएगा, और अगर आपका यहाँ तक भी पानी आ जाएगा यहाँ तक, फिर भी आपको पानी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये साइड से इस साइड से कहीं से भी आपका वाटर लीकेज नहीं होना चाहिए। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पहन के ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, राइडिंग भी कर सकते हैं एंड वॉकिंग भी कर सकते हैं। यार मुझे तो ये शूज़ बहुत ही अच्छा लगा है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू आर हैविंग स्टील टोज इन दिस पोर्शन। ये शूज़ का इस जगह पे आपको स्टील टो मिल जाता है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि कोई भी आप इम्पैक्ट हो, आप राइडिंग करते करते या फिर गिर जाए या फिर कुछ पत्थर आके आपको यहाँ पर लग जाए तो उस मोमेंट पे आपको क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर एंकल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे इसका सोल, देखिए इसका सोल बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लगता है। और यस अभी इसका साइज देख लीजिए, इसका साइज है 43 एंड अगर आपको साइज के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम होता है तो वेबसाइट में कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, आप उस मेजरमेंट के हिसाब से आप अपना पैर का मेजरमेंट कर लीजिए एंड यस देन ओनली यू कैन एंजॉय दिस शूज। यार मुझे तो ये लंबा वाला शूज बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली क्या है, ये जो पोर्शन है आप तो जो देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन ये लंबा हाई, इसका हाइट लगभग 1 फुट के हिसाब से है एंड इट लुक्स ऑसम व्हेन यू आर राइडिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही मुझे मतलब आपको मैं बोल के नहीं समझा सकता हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आप ये पहन के वॉक भी कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि जैसे कि आप राइडिंग शूज लेते हैं, बहुत कॉस्टली राइडिंग शूज लेते हैं तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है, सबसे मेन इश्यू आता है कि उसको पहन के आप ज़्यादा दूर वॉक नहीं कर पाते, आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम फील होता है, मतलब एक तो हैवी वेट है,
उसके ऊपर से उसका लेंथ ज़्यादा होता है एंड उसका जो डिज़ाइन होता है, हालांकि वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, सब कुछ इन ऑल अराउंड ऑल एस्पेक्ट वो बहुत अच्छा होता है। पर ये शूज़ भी जिस रेंज पे आता है उस रेंज पे ये वन ऑफ द बेस्ट शूज़ है। एंड यस आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई दिस शूज़। एंड मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली अगर वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो ही मैं मेरा व्यूअर्स को वो रिकमेंड करता हूँ। तो यस आई कैन रिकमेंड दिस शूज़ टू एवरीबडी हु इज इन अ नीड ऑफ बाइंग अ राइडिंग शू। आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यार आज बोला नहीं जा रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहां से जरूर खरीद सकते हैं ये शूज। एंड यस मुझे ये बहुत पसंद आया, और सबसे बढ़िया चीज मुझे ये जो लगता है, इसको आप इधर देखिए, पीछे भी एक आपका स्ट्रैप दिया हुआ है जो आपका पीछे की साइड में आपका प्रोटेक्शन देगा। दिस इज द बैक साइड। एंड यार ये बहुत ही हल्का है, I can really feel that it's a premium quality shoe. यार बहुत बहुत सही है यार। तो चलिए मुझे तो ये शू अच्छा लगा, अगर आप लोग खरीदे हैं तो don't forget to give your suggestion and yes शायद ये फिर किसी को help करेगा नया product लेने में। So friend, with this I end my video. This is Indra Sesh signing off. Have a good day. Bye-bye. Take care. And yes, stay home, stay safe. Lockdown ka time hai. Jyada bahar mat nikliye. Aur agar jaate hain to yes, zarur apna mask zarur carry kijiye. Maine bahut sara aadmi ko dekha hai bahar jaate hue bina mask ka. Please do not take any advantages of this situation. So jaise ki aap log jante hain ye covid ka mahol hai. Stay safe and keep riding. Bye-bye. This is Indra Sesh signing off. Have a good day.